अगर Redmi Y 2 के आप भी यूजर्स हैं, उसमें आप अपडेट का वेट कर रहे थे दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छी बात उसमें आपको मिलेगा 10.3.1.0 का अपडेट मिलेगा, जो काफ़ी अच्छी अपडेट है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, जिसमें बहुत सारे नया नया फीचर को ऐड किया गया। मेरे पास Redmi की जो Y 2 मोबाइल है और मैं इसमें आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी अपडेट आई है, इसमें क्या क्या फ़ायदा है, कौन कौन से नए नए फीचर को ऐड किया गया है। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको ये बात समझ में आएगी। हेलो दोस्तों, लेटेस्ट जानकारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम है शाकिब। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस अपडेट को बताने और समझाने के मुझे चलना पड़ेगा मोबाइल स्क्रीन पे, तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। जैसे ही जाकर सिस्टम में आप अपडेट करेंगे वहाँ पे आपको ये अपडेट शो करेगा। जो अपडेट की जो साइज होगी वो 306 MB होगा, जिसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूं आपको एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा, वो भी आपको अप्रैल का 2019 का मिलेगा। और साथ में बहुत सारी जो बग को फिक्स किया गया, जब तक ये आपको डाउनलोड पे ये हो रहा है जब तक ये मैं आपको बताता चलूँ इसमें क्या क्या फिक्स किया गया। सबसे पहले इसमें जो आपको एंडिंग कॉल का जो था टाइमिंग वाला सिस्टम वो फिक्स किया गया है। साथ में इसमें फिक्स किया गया स्टेटस बार का शॉर्टकट और फ्लोटिंग नोटिफिकेशन कॉल का जो है इसमें वो फिक्स किया गया है। साथ में जो नया चीज़ है वो आपका है कि लॉक स्क्रीन और का और फेस जो अनलॉक स्क्रीन जो था इसका भी फीचर को इसमें नया दिया गया है, जो आपको जो बिल्कुल अलग टाइप का है। साथ में ये फेस लॉक का जो ऑप्टिमाइज़ किया गया जो और बेहतर तरीका से काम कर सके। साथ में लो बैटरी वार्निंग जो नहीं मिलती थी लैंडस्केप मोड में, जब मोबाइल ऐप इस तरह से करते थे इस तरफ में लैंडस्केप मोड में, तो उस टाइम नहीं मिलती थी, अब उसमें मिलने लगी है। साथ में आपको कॉल को जो है जो कॉल की जो टाइमिंग जो बबल करती थी वो भी ओवरलैप नोटिफिकेशन उसको भी फिक्स किया गया है। साथ में नोटिफिकेशन बैड जो व्हाट्सएप पे सही तरीका से नहीं आ पाती थी उसको भी यहाँ पे फिक्स किया गया। साथ में ऑप्टिमाइज़ किया गया है जो ऐप्स और नेम का जो जो टेक्स्ट का जो साइज़ था उसे बड़ा कर सकते हैं, वो भी सिस्टम इसमें अब आ चुका है, और खूबसूरत सा डिज़ाइन भी उसमें बना सकते हैं। साथ में ऑप्टिमाइज़ किया गया है आपको गेम खेलते वक्त में आप फ्लोटिंग विंडो का कॉल जो आएगा फ्लोटिंग विंडो करके आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। और साथ में इसमें नया जो फीचर है वो आपका है MI क्लाउड का जो है रीडिज़ाइन किया गया, जो उसका पेज का जो सेटिंग वेटिंग डिज़ाइन विज़ाइन है सब आपको एकदम बेहतर तरीका से बिल्कुल अलग सा डिज़ाइन दिया गया है। ये अपडेट इसमें जो है आपको करने में मिलेगी, जब तक अपडेट हो रही है तब तक आप बने रहें। अपडेट करने के बाद इस तरह से कुछ आपका पेज ओपन होगा, शुरू का जो फ्रंट पेज है ये डिज़ाइन आप देख लीजिए किस तरह का लुक मिलता है यहाँ पर। साथ में मैं आपको दिखाता चलूँ इसमें बिल्ड नंबर जो इसकी है जो अपडेट करने के बाद मिला, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लिया अपील का सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पे शो कर रहा है अपील 2019 का, जो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। और अभी तक मैं बताता चलूँ इसमें एंड्रॉयड ओडियो है पाई अपडेट अभी इसमें नहीं आया है, मैं बताऊंगा पाई अपडेट कब आएगा, इसमें बने रहे हमारे साथ में। साथ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें जो आपको मैं जो फ्रंट स्क्रीन में दिखा दूँ इसमें एक नया ऐप्स जोड़ा गया जिसका नाम आपको MI पे है, जो देखिए यहाँ पे दिख रहा है MI पे यहाँ पे जो ऐड किया गया है यहाँ पे अपडेट करने के बाद मुझे दिखा है पहली बार ये अपडेट है। बाद में लोग यूज़र कहना है कि इसमें कैमरा में प्रॉब्लम आ रही है, आप भी बताइएगा कमेंट में क्या आपके साथ भी कैमरा में प्रॉब्लम आ रही है अपडेट के बाद, कैमरा को क्वालिटी शायद कम हो गई या कैमरा सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी है। बस ये अपडेट में बस तो इतना ही है। और अगर आप एंड्रॉयड पाई का अपडेट के लिए वेट कर रहे थे दोस्तों, एंड्रॉयड पाई का अपडेट आपको मिलेगा जुलाई में, और उसके लिए आप बने रहें, और जैसे ही आएगा मैं उसे आपको अपडेट करके मैं बता दूंगा। बस दोस्तों वीडियो इतना ही, दोस्तों वीडियो अच्छा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल का नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और दोस्तों दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो शाह। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।